गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समस्या समाधान विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि। अब जैसे हम सभी मनुष्य हैं, मानव जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। आपका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं संभावित रूप से आती हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य या बालक अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा इनके बारे में सोचता है और इनकी कठिनाई का निवारण करता है। अब हम समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो समस्या समाधान विधि में किसी समस्या या प्रश्न को बालक के सामने एक विशेष स्थिति में रखा जाता है और बालक उस समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से करता है। प्रोजेक्ट मेथड आपका सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण विधि है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका गणित विषय में भी उपयोगी है, विज्ञान विषय में उससे ज़्यादा उपयोगी है और बाकी सभी विषय में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। लास्ट में हमने बात करी थी प्रोजेक्ट मेथड की या परियोजना विधि की। तो परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड में फिजिकल मेंटल ऑपरेशन दोनों पर बल दिया जाता था, दोनों का यूज़ होता था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मेंटल ऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि प्रॉब्लम समस्या का समाधान मानसिक क्रियाओं के द्वारा होता है जिसके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग आवश्यक होती है। समस्याओं के बारे में जानना, समस्याओं के बारे में सोचना और समस्या के बारे में निवारण करना। बालक के सामने समस्या आती है तो क्या करता है, समस्या को एनालाइज करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है उसको, पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में, प्रत्येक पार्ट को ऑब्जर्व करता है कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कहाँ पे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आगे जानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के एक्सपोनेंट हैं आपके जॉन डीबी, सुकरात ने भी इस विधि की बात की है या इस विधि पर चर्चा की है। समस्या समाधान विधि ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपकी बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजिकल मेथड है या आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है। ये साइकोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। अब हम जब बालक के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत करेंगे तो बालक उस समस्या के विषय में डीपली सोचेगा कि कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा बालक, प्रॉब्लम को ब्रेकिंग डाउन द होल प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेगा, अपने आप समस्या का समाधान करेगा बालक। तो हर स्टेप को वो ऑब्जर्व करेगा, वहाँ पर देखेगा कि लास्ट पॉइंट पर कहाँ पर गलती हुई है, उस गलती को ऑब्जर्व करना, फिर उस गलती को पूरा करना। तो समस्या का समाधान करते समय बालक लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग दोनों मेथड का यूज़ करता है, या दोनों जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं आपके यूज़ होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहले तो बालक में हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आवश्यक है। बिना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बालक समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। समस्या समाधान बालक वैज्ञानिक ढंग से करता है, पूरा सिस्टमेटिक वे में करता है और समस्याओं का डीप या गहरा आकलन करता है। द गोल ऑफ दिस मेथड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सॉल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इस शिक्षण विधि के द्वारा हम बालकों को प्रत्येक प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उसको तैयार करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम की। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ए प्रॉब्लम अराइज व्हेन वन हैज ए गोल बट डज नॉट नो हाउ दिस गोल इज टू बी रीच्ड। समस्या वह है जब बालक के सामने कोई समस्या आती है या कोई प्रश्न रखते हैं और वो
हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करे और या सीधे सीधे उस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं या उस समस्या का उत्तर हमारे पास नहीं है। उसके आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए कॉग्निटिव और मेंटली प्रोसेस टू ओवरकम ऑब्स्टिकल डेट स्टैंड इन वे ऑफ रीचिंग ए गोल। समस्या समाधान एक मानसिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, समस्या समाधान की। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रोसेस ऑफ रेजिंग ए प्रॉब्लम इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सच ए वे एज टू स्टिमुलेट पर्पसफुल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फॉर अराइविंग एट ए रेशनल सॉल्यूशन। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों के सामने किसी समस्या या प्रश्न को प्रस्तुत किया जाता है, तब विद्यार्थियों में रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग या चिंतन का जन्म होता है और बालक वैज्ञानिक ढंग से समस्या का समाधान प्राप्त करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम को फ्रेम करते समय हमको निम्न बातों का ध्यान रखना होता है कि एक क्लास में विभिन्न आईक्यू लेवल के या डिफरेंट आईक्यू लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। हर बच्चे की बेसिक नीड्स अलग होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना होता है और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम का चुनाव करना होता है। तो पहला है आपका प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। जब हम प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं तो बालक की मानसिक आयु, उसकी बौद्धिक क्षमताएं, बौद्धिक योग्यताओं को ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों में स्वतः रुचि उत्पन्न हो। यदि विद्यार्थियों में स्वतः रुचि उत्पन्न होगी तो वो अपने गोल, एम्स, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होंगे तो प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करेंगे। दूसरा आपका रहेगा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रहेगी आपकी। उनके प्रॉब्लम सब्जेक्ट सेंटर्ड होगी जिससे कि बालकों को लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी और वो नॉलेज अगले स्टेज पर काम आएगी या अगले क्लास में काम आएगी या उनके डेली लाइफ में काम आएगी। सरल शब्दावली, इजी वर्ड्स, बालकों के सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट करते समय जो हमारे शब्द होंगे आसान होंगे जिससे कि बालकों को आसानी से समझ आए और बालकों के अंदर कोई भ्रम पैदा या भ्रम उत्पन्न ना हो। समस्या को आसानी से समझेंगे तो आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर हम टिपिकल वे में बच्चों के सामने प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर देंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में देरी करेंगे और अपने रास्ते से भटक सकते हैं। लास्ट रहेगा आपका सुनिश्चित एवं स्पष्ट समाधान। बालक के सामने जो प्रॉब्लम फ्रेम करी जाएगी क्लियर होगी, टू वे में नहीं जाएगी, वन वे में चलेगी आपकी। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे के सामने मैथ के इक्वेशन देते हैं 2x + 11 = 33, ये आपका क्लियरली गिवन स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर प्रॉब्लम। जब बच्चे के सामने हम स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा एक्स। इसको बच्चे को एक गोल हो जाएगा स्टूडेंट्स का और इसको अचीव करना वहाँ पर होगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम साइंस में, प्रॉब्लम मैथ में, प्रॉब्लम ज्योग्राफी में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर प्रॉब्लम को हम ध्यान रखेंगे, इंटरेस्टिंग हो, बच्चों के टॉपिक को कवर कर रही हो वहाँ पर, स्टूडेंट्स की फ्यूचर लाइफ के लिए उपयोगी हो, इन चीज़ों का ध्यान देना होगा।
सुनिश्चित प्रॉब्लम है, डेफिनेट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे इस वे में कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए। डिफाइन द प्रॉब्लम वेल एनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बालकों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम को वो लोग कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि के पद होते हैं, कौन से स्टेप हैं जिसके थ्रू बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वहाँ पर पहला आपका हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या समस्या का चयन। जब हम स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे तो चार प्रॉब्लम प्रेजेंट करी मान लो आपने या पांच करी, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो एक प्रॉब्लम को वहाँ पर चूज कर लेगा, उसकी स्टडी के लिए आगे के स्टेप को फॉलो करेगा। जो प्रॉब्लम बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे तो हमको ध्यान रखना होगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। बच्चों के क्लास लेवल, बच्चे के आईक्यू लेवल, बच्चों के मेंटल पावर को ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जब बालक प्रॉब्लम को चूज़ कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, तो बालक को प्रॉब्लम के बारे में आपको क्लियर करना होगा। वहाँ पर क्लियर डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट्स प्लानिंग करेगा तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी तो रिसोर्सेज के बारे में उसको बताएंगे, तो बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। आगे आपका हो जाएगा फार्मूलेशन हाइपोथेसिस। बच्चा परिकल्पना का निर्माण करेगा, मतलब जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके टेंटेटिव रिजल्ट या संभावित उत्तर बच्चा वहाँ पर कुछ मानकर चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के चार सॉल्यूशन मानेगा कि ये वाला हो जाएगा कि वो वाला हो जाएगा। चार ऑप्शन से एक ऑप्शन उसका चूज वहाँ पर सही होगा। उसके लिए क्या करेगा कि चार ऑप्शन बनाया है, कैसे प्रूव करेगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो इसके लिए वो हाइपोथीसिस बनाएगा। हाइपोथीसिस को टेस्ट करने के लिए, प्रॉब्लम का रिजल्ट पाने के लिए डेटा कलेक्शन करेगा वहाँ पर, जो आपने प्रॉब्लम दी है उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करेगा। एकत्र करने के बाद में एनालाइज करेगा वहाँ पर, विश्लेषण करेगा आंकड़ों का, ब्रेकिंग डाउन द होल प्रॉब्लम इन स्मॉल स्टेप, प्रत्येक स्टेप को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद में प्रॉब्लम को सिंथेसिस करेगा, संश्लेषित करेगा और पुटिंग टुगेदर वेरियस एलिमेंट, जो एलिमेंट उसने अलग किए थे, जिनको ऑब्जर्व किया था, उनको यहाँ पर वो कंबाइन कर देगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन या अपना रिजल्ट टीचर के सामने प्रेजेंट कर देगा। इसके बाद बात करेंगे मेरिट की, कौन कौन से मेरिट होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। गुड हैबिट फॉर्मेशन होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है। इट हेल्प्स थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ द पीपल्स। यहाँ पर हम विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति का विकास होता है। दूसरा आपका हो जाता है इट डेवलप्स द पावर ऑफ क्रिटिकल जजमेंट, आलोचनात्मक निर्णय का विकास हो जाता है बालक के अंदर, बच्चा चीज़ों की आलोचना समालोचना करना सीख जाता है। इसके बाद आता है आपका स्टूडेंट्स हैव सफिशियंट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व वाइल डिस्कशन आर गोइंग ऑन। स्टूडेंट्स को समुचित अवसर मिलते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए जब कभी समस्या समाधान पर कोई डिस्कशन हो रहा होता है। अगला आपका वजह गेट ट्रेनिंग इन कोऑपरेशन एंड फेलो फीलिंग्स, बालक के अंदर सहयोग की भावना विकास होती है और अपने साथियों के साथ में उसको फीलिंग आती है कोऑपरेशन की कि किस तरह से कोऑपरेशन करना है वहाँ पर, किस तरह से किसकी मदद करनी है, इन चीज़ों को बालक वहाँ पर सीखता है, अपने मित्रों की सहायता करना सीखता है। अगला लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, ये मेन प्रिंसिपल्स थे आपके, बालक खुद करके सीखता है और खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करता है वहाँ पर। नवीन परिस्थितियों में कार्य करने के अवसर मिलते हैं बालक को और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसके बाद कभी उसके आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो
उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेता है। डिमेरिट्स हैं आपके, स्मॉल क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, बड़े क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है आपका, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। प्रत्येक अध्यापक के लिए विज्ञान विषय या किसी भी विषय में इस तरह से समस्या का निर्माण करना कठिन हो जाएगा। एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 समस्याओं का निर्माण करने के लिए टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, जहाँ पे होगा वहीं पर रुक जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग का आपको बता दिए थे, बहुत ज़्यादा समय आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। टेक्स्ट बुक्स एंड रिटन मटेरियल ऑन दिस लाइंस आर नॉट ईजिली अवेलेबल। समस्या समाधान पर अगर आपने किसी बच्चे को प्रॉब्लम दी तो ऐसा नहीं कि बच्चे टेक्स्ट बुक से कोई हेल्प ले पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सब्जेक्ट सेंटर्ड होगी, डेली लाइफ पर बेस होगी, रूटीन होगी, रूटीन वाली होगी, नॉन रूटीन वाली होगी। तो प्रॉब्लम के लिए बच्चे को अपना ही मेंटल लेवल यूज़ करना है, उसको कोई किताब से हेल्प नहीं मिलनी है। तो बस यही डीमेरिट्स हैं आपके। बस मेरिट्स ये हैं कि स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी के बेस पर होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग बच्चे के अंदर बढ़ती है, आगे आने वाली समस्याओं के लिए बालक तैयार होता है, बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न होता है और बालक समस्याओं से दूर नहीं भागता है। तो लास्ट में आपका समस्या समाधान शिक्षण विधि में बालक वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। थैंक यू।